बागेश्वर में मीट मार्केट को बंद कराने के लिए विराट बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांडा टैक्सी स्टैंड में लगे मीट मार्केट की सारी गंदगी पवित्र नदी सरयू में जाती है, जिससे नदी का पानी गंदा हो रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंप दिया है, जिसमें शासन प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्दी से जल्दी मीट मार्केट को न हटाया गया तो सभी कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करेंगे। जल्दी हो शासन प्रशासन हमारे साथ में है और हमें उसके नीचे काम कर रहे हैं और ठीक है, जितना टाइम से हो सके होना चाहिए। वैसे हमारे शहर के खिलाफ है क्योंकि वहाँ से पूरा मलबा जो है सीधे आपका नीचे बागनाथ वहाँ पे जाते हैं, हमारे जो बंदे चलिए कुछ आगे उसके लिए। अभी तो हमारा धरने का था आज, तो थोड़ा सा कुछ दिक्कत होगी जैसे हमारा स्टेट हो गया, तो आगे को फिर हम अच्छे से वो करेंगे, जो ज़्यादा लोग हो सके तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे दोबारा, तो इसमें अगर काम ना हो जी हमें उन पर पूरा विश्वास है। क्या कहते हैं कि वो कह रहे हैं शासन प्रशासन आपके साथ में, हम आपकी जो मांग है जरूर पूरी होंगे, तो उसके लिए काम भी